दोस्तों अगर आप भी पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की टीम की हार के बाद हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए। आखिरकार अपनी टीम के आईपीएल से लगभग बाहर होने पर क्या बोले बौखलाकर हार्दिक पांड्या, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मुंबई की टीम अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल के प्रशंसकों को एक बड़ा झटका लग चुका है। 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल से बाहर का रास्ता लगभग देखना ही पड़ चुका है। आपको बता दें कि प्लेऑफ में पहुंच चुकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस की टीम का घमंड तोड़कर रख दिया शारजा के मैदान में। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत ही इतनी ज्यादा बेकार थी कि कप्तान साहब रोहित शर्मा 10 से ज्यादा रन ही नहीं लगा पाए। वहीं दूसरी तरफ डीकॉक और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक छोटी सी जोड़ी जरूर बनी थी, लेकिन वो भी टूट गई। सूर्य कुमार यादव ने 32-33 रन के आसपास जड़े थे और डीकॉक भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। उम्मीदें थी कि मैदान पर आए पांड्या ब्रदर्स या फिर पोलार्ड कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन ये सब के सब फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि सौरभ तिवारी भी। जाहिर सी बात है कि बल्लेबाजों का इतना खराब प्रदर्शन था तो बड़ा लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर तो लगना नहीं था। मुंबई की टीम हार कर 129 पर पहुंच गई और दिल्ली कैपिटल्स को लक्ष्य मिला 130 रनों का। शारजा का मैदान तीनों मैदानों में जहां पर टूर्नामेंट हो रहा है उनमें सबसे छोटा है। दिल्ली की टीम की फॉर्म, उनके लिए 130 का लक्ष्य चेस करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। फिर भी यह मुकाबला रोमांचक बना क्योंकि दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी को भी तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। त्रिशोर 6 रन और फिर धवन तो 8 रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद मैदान में आकर कप्तान साहब ऋषभ पंत ने मैदान में आकर 29 रन जरूर लगाए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं आगे पारी को बढ़ा पाए अपनी। खैर दोस्तों अंतिम बोलों में सारा जिम्मा आ चुका था श्रेयस अय्यर और अश्विन के कंधों पर। अंतिम ओवर में जीतने के लिए भी 4 रन चाहिए थे कि अश्विन ने छक्का जड़कर फिर अपनी टीम को जिता दिया 4 विकेट के अंतर से। दिल्ली की टीम तो पहले से ही प्लेऑफ में है, उनको इस जीत से क्या पड़ी है, लेकिन मुंबई की टीम अब आईपीएल से पार होने की कगार पर है और 99% हो भी चुकी है। मैचेस जीत कर भी 14 अंकों के साथ तो प्लेऑफ में नहीं पहुंचा जा सकता अगर नेट रन रेट खराब है तो। और से राजस्थान की टीम इतने बेहतर रन रेट के साथ भी जीत गई है और इसी हार के बाद अब टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से बौखला गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की हार पर क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद अपना आपा खोते हुए पांड्या ने कहा, ये वाकई में एक शर्मनाक हार है। इस हार के बाद एक पल को ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई सपना टूट गया हो। यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी टीम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण मैच को हार चुकी है। मुकाबला हमारे लिए उतना ही जरूरी था जिस किसी टीम के लिए फाइनल जीतना होता है। मुकाबला हमारी टीम के लिए प्लेऑफ की वो सीढ़ी था जिसे चढ़कर हम फिर से प्लेऑफ का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे और ये सब कुछ हुआ हमारी खराब बल्लेबाजी की वजह से। बाजू का कोई दोष नहीं, शारजा की पिच पर 150 या 160 तो बड़ी आसानी से बन ही जाते हैं। अगर मैंने खुद ने या फिर हमारी टीम की शुरुआती जोड़ी या फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने 15 से 20 रन और लगाए होते तो शायद हमारी टीम इस मैच में वापसी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रोहित भाई ने अपनी कप्तानी में पूरा प्रयास किया, गेंदबाजों ने भी प्रयास किया, अंतिम ओवर तक मैच को लेकर गए, लेकिन ये बल्लेबाजी है जिसकी वजह से हमारी टीम इस मैच को हारी है। सार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहूंगा कि अगर उस समय पर टिककर अपनी टीम के लिए 15 से 20 रन लगा दिए होते तो शायद हमारी टीम आज प्लेऑफ के रास्ते पर चलने के सपने देख रही होती। हार के बाद वाकई में खुद से काफी शर्मिंदा हूँ। सो हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही मैदान पर गेंदबाजों में खौफ आ जाता था कि अब चौके और छक्कों की बरसात होगी, लेकिन वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पिछले 2 सालों से पांड्या का बल्ला आईपीएल में चल ही नहीं पा रहा। तो आप सभी को क्या लगता है, मुंबई की टीम की हार का कारण क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।